ये आर्य भट्टुकुड़ के जाल में मत फंसो, ये मोदी ने, मोदी को लाया है उन्होंने, ये तीन लोग आज यदि हम सभी लोग मिलके इसकी जांच होती है तो मोदी, शाह और भागवत इनकी जगह जेल में है। अरे आपको पैसे के सिवा कुछ भेजे में दूसरा है कि नहीं? पैसा और चुनाव, पैसा और चुनाव, बस इसमें तुमने देश को बर्बाद किया। ये हरामजादे मुझे अर्बन लेक्सराइट कहते हैं, ये चंद भटुकड़े हैं, बहुत चंद है, और मैं कहता हूं देश में 1 लाख भी इतनी जहरीली जमात सिर्फ आर्य भट्टों की है, वो हमारी बदनामी करते हैं, कुछ नहीं छोड़ा हमारी बदनामी करने। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा तो काम है कि आपको समझाना, आप समझे ना समझे। अभी 18 मार्च से मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं कोरोना के बारे में। 18 तारीख को हमारे देश में सिर्फ 137 कोरोना बाधित लोगों की लिस्ट थी और 3 लोग मरे थे। उसके बाद हमारे प्रधान शोषक ने जो नौटंकी शुरू की कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, सब बालकनी में आओ, मोमबत्ती बजाओ, क्या हुआ? उसके बावजूद आज के आंकड़े क्या है? टेस्ट न करते हुए भी अभी 5,000 तक आंकड़ा जा रहा है और मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। ये क्यों हो रहा है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जरा दुनिया के भर के लोगों को देखो ना, हम सिर्फ हमारा इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई व्यक्ति हो, देश हो, समाज हो, जिसको कुछ नया दिखाने के लिए नहीं है दुनिया को, तो फिर वो इतिहास की बात करता है। इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है कि जो भी परदेशी आया वो सिर्फ आर्यभट्ट ब्राह्मणों के परमिशन से आए। मोहम्मद घुरी आया, उसने क्या किया? 200-300 लोग लेके आया था। ये पंडितों ने राजा को बोला कि हमको घी दे दो, लकड़ी दे दो, हम महा कौन सा यज्ञ करेंगे, तो उसके आखिर रास्ते में आते चले जाएंगी, वो कहीं बावड़ी में गिर जाएगा, चिंता मत करो। वो जब आया देखा तो वो माहौल, उसको ताज्जुब हो गया। उसने सबको काटा और सब जो चाहे सब लेके गया। मोहम्मद बिन कासिम आया, उसको इन्होंने बोला कि तू आ यहां, यहाँ के बौद्ध धर्मियों के खिलाफ तुझे काम करना है, लेकिन तू हमारे वर्ण व्यवस्था को हाथ नहीं लगाना। यानी जिसको भी चाहे आपने बुलाया, वर्ण व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास किया, आज क्या कर रहे? वही कर रहे। आज आप एक तुम्हारे 25-30% वोटर्स के लिए सिर्फ आप बात कर रहे हैं, चुनाव सिवाय आपके मन में ना विकास है, ना या इस देश के बहुजन है, ना इस देश के गरीब है, ना इस देश के किसान है। आपको सिर्फ चाहिए 25-30%, 35%, क्योंकि बाकी सब बटे हुए हैं, 70% होंगे तो भी बटे हुए हैं। एक भी पार्टी का नेता आज मोदी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जो मोदी हमारे दुश्मन जैसा काम कर रहा है। कोरोना मैंने कल ही बोला और बार बार बोल रहा हूं कि चाइना से आया। अरे जैसे हम हमारे ग्रोसरी में या स्टोर में जाते हैं ना खरीदी करने को, वैसे हमारे लोग चाइना में व्यापार कर रहे हैं, हमारे सब हिंदू लोग व्यापार कर रहे हैं, और वो चाइना से उनकी आवाज अभी हर दिन है। जैसे मैं बोला कि हम जैसे जाते हैं मार्केट में जाके आते हैं, वैसे वो चाइना जाके आते हैं, और वहां अक्टूबर नवंबर से ये सब शुरू हुआ था, तो वो आने में क्या देर लगती है? 30 तारीख को हमारा, 30 जनवरी को पहला मरीज, 26 को आपने नोटिस लगाई एयरपोर्ट पे कि कोई भी अंदर आए परदेश से, अफेक्टेड एरिया से, तो उसकी जांच होनी चाहिए। कैसे आए भाई? उसके बाद कितने लोग कैसे आए? मुझे तो अभी मालूम हुआ कि बंबई में 1200 लोग है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम सरकार जाहिर नहीं करना चाहती, वो परदेश से आए हैं, अफेक्टेड एरिया से आए हैं। क्या चल रहा है? आप किसके लिए काम कर रहे हैं?
हमने पहले दिन बोला था कि यदि आपको करना है तो ताली थाली बंद करो, जहां जो है वहां वो रहे। कैसा रहेगा वो? तो उसको आप, आपके पास 60 मिलियन टन सरप्लस धान है, अभी नया क्या बोलते हैं उसको, खेत में पैदा है, पैदा पड़ा होके पैदा पड़ा है, नया पीक है, नया धान पड़ा है, उसको जाके खरीदो पहले, कैसे भी पैसे लाओ। लेकिन यदि वो खरीदेंगे नहीं तो किसान क्या करेगा? और उस किसान को अभी आप पैसे नहीं देंगे तो उसके आगे के पीक के लिए यो जमीन कैसी करेगा? उसको आगे काम करने के लिए भी जमीन में काम करना है, आगे के सोचना है, इसलिए पहले उसको मुक्त करो। और जो भी धान है जहां भी लोग हैं उनको बांटो। अरे जो हजार हजार किलोमीटर चल के गए उनको उनका गांव स्वीकार नहीं कर रहा है, उनको गांव के बाहर छावनी लगाओ। अरे पहले टेस्ट शुरू करो ना। 29 तारीख को आपका आखिरी फ्लाइट गया है जो कोरोना के लिए लगता है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, कोई मास्क है उसका, आप परदेश लेके गए, हमारे जहाज गए 29 तारीख को, आखिरी जहाज गए 29 मार्च। तो आप किसको बना रहे हैं, किससे, किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अभी देखो आज भी समय है, यदि आपको आप करना चाहते हैं। और मैं सब लोगों को बोलता हूं कि अरे बकवास, मोदी के बकवास को रोको। ना किसी पार्टी का नेता, ना किसी कौन सी पार्टी सामने आ रही है। हम 70% लोग होके भी ये 30% वाला हम सबको क्या बर्बाद कर रहा है? देश का कुछ नहीं छोड़ा, अभी बचा हुआ कोरोना ने लूट लिया। हमारे देश में आज कोरोना के लाखों लोग बाधित है। जब तक तुम टेस्ट नहीं करेंगे सही आंकड़े नहीं आएंगे, और सही आंकड़े देने की आपको कहां आदत है? आपके पहले 2 साल में 25,000 किसानों ने आत्महत्या करी, उसके बाद आपने आंकड़े दिए क्या? आपने तो आपने वो डिपार्टमेंट ही बर्खास्त कर दिया कि वो आंकड़े झूठ देता है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके डिपार्टमेंट झूठ आंकड़े देते हैं। बेरोजगारी चरम पद कर है, क्या नहीं है चरम पद पर, कोरोना भी चरम पद कर गया है। तो इसीलिए मैं सभी बहनी भावों को, यानी विशेषता बहुजनों को, ये आर्य भट्टुकड़ के जाल में मत फंसो। ये मोदी ने, मोदी को लाया है उन्होंने, ये 3 लोग आज, यदि हम सभी लोग मिलके इसकी जांच होती है तो मोदी, शाह और भागवत इनकी जगह जेल में है। बॉम्ब शूट इन्होंने करवाए, बाबरी मस्जिद इन्होंने गिरवाई, देश का जो चल रहा था अच्छा कारोबार चल रहा था, कुछ नई नई बातें हो रही थी, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, घर घर बैंक गई, लोगों को पानी मिला, बहुत बहुत कुछ बातें हुई थी, सब सब की बर्बादी कर दी आपने। और आज कोरोना के माध्यम से मैं आपको बहुत चीड़ आती है, मुझे मैं बहुत दुखी होता हूं और चीड़ भी आती है कि यह समाज इतना सोया कैसा। अभी मुझे कई गालियां आएंगे, अरे गालियां देने वालों को, देने वाले को मैं कुछ समझता नहीं, जा, क्योंकि वो 30% लोगों के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे जो 70% भाई है जो रास्ते पर तड़प रहे हैं, जिनके पेट में भूख भरी हुई है, जिनको दवा नहीं है, जिनको रहने को घर नहीं है, अरे रहने को घर नहीं ऐसे लोग देश में कितने हैं? तुम्हारा परसों का पैकेज बोलता है कि 80% लोगों को मदद करनी चाहिए। यदि 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो कैंडल जलाएंगे या थाली बजाएंगे? उनको बालकनी है क्या, घर है? तो ये खुल्लम खुल्ला ये लोगों को, 70% लोगों को समझता नहीं कि ये सिर्फ 30% लोगों के लिए काम कर रहा है, 30% लोगों के लिए काम कर रहा है, 70% लोग रास्ते पर सड़ रहे हैं और उसको उसका कुछ लेन देन नहीं है। जो ट्रंप लाया ना, स्टोरी सुनी क्या आपने ट्रंप की? ट्रंप आते समय पहले भारत को उसने कोसा कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में गधे हैं, और आपको $240 मिलियन का फाइन किया आने के पहले। तुम्हारा H1 विसा है ना, वो 70% था, वो 15% पर किया आने के पहले, और तुम उसके चाटते हैं, उसके लिए तुम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाहर काम के लिए आप सेपरेट ट्रस्ट क्यों निकालते हैं? सेपरेट ट्रस्ट निकालते, पैसे जमा करते। अरे आपको पैसे के सिवा कुछ
विजय में दूसरा है क्या? नहीं, पैसा और चुनाव, पैसा और चुनाव, बस इसमें तुमने देश को बर्बाद किया है। आज भी मैं सभी को विनती करता हूं कि इसकी सही चाल, इसकी असलियत समझो, अभी काम को लगाओ। हमें संविधान के दायरे में रह के संगठित होना है, संघर्ष करना है, और लाखों लोग जैसे आज पैदल चल रहे थे ऐसे लाखों लोग रास्ते पर लाना है। इसका मतलब नक्सलाइट नहीं बनना है। ये हरामजादे मुझे अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, ये चंद भटुकड़े हैं, बहुत चंद है। और मैं कहता हूं देश में 1 लाख भी इतनी जहरीली जमात सिर्फ आर्य भट्टों की है, वो हमारी बदनामी करते हैं। कुछ नहीं छोड़ा हमारी बदनामी करने से इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन मैं बिल्कुल डरता नहीं। हमारे आज महावीर जयंती है। महावीर का, गौतम बुद्ध का जन्म क्यों हुआ? उनका काम क्यों शुरू हुआ? आपके खिलाफ हुआ, आर्य भट्टों के खिलाफ। आप बताते नहीं लोगों को, लोगों को मालूम नहीं, लोग पढ़ते नहीं, लोगों का भेजा आपने सड़ाया है। और वो महावीर के जो फॉलोअर्स है वो भी आपके साथ है। क्यों? कि उनको लगता है ठीक है ना। एक बात ऐसी है कि जहां भी मिले मुसलमान को चलना चाहिए, बस दूसरा काम ही नहीं आपको। अरे ये मुसलमान सब हमारे बहुजन भाई, जरा इतिहास पढ़े, ये सब हमारे लोग है। विवेकानंद पढ़े तो समझेंगे कि विवेकानंद ने कहा कि कोई तलवार के नोक पर धर्म नहीं बदला। कैसा बदला धर्म? वर्ण व्यवस्था के कारण जो मुंह से आए वो हमेशा देश को मालिक ने हक बजाते रहे, तो बाकी लोग गए इस्लाम में, उनकी क्या गलती है? वो हमारे, हमारा उनका खून एक है। यदि तबलीग ने गलती करी है, वो करी है, तो मैं बोलता हूं कि स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करो, 1 महीने में जस्टिस दे दो। आपको मालूम होगा कि आपके भी कई गढ़े उसमें शामिल है, इसलिए आप वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप कोर्ट में नहीं भेजेंगे, आप सिर्फ मीडिया ट्रायल करेंगे। और वो मीडिया या तीनों के हाथ में है, भागवत, शाह और अमित और मोदी, इन तीनों के हाथ में जो मीडिया है वो देशद्रोह कर रहा है। मीडिया वालों को भी बोल रहा हूं मैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं, आपका इतिहास कभी अच्छा लिखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आज मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन आज इतना ही बोलने के लिए आया कि कल आपने मोमबत्ती जलाई, आज तो सबसे ज्यादा मरे, आज तो सबसे ज्यादा को बाधित हुए, मुंबई में भी सबसे ज्यादा बाधित हुए कि क्या बजाया, क्या मोमबत्ती जलाया आपने। और वो बोलता है, बकवास करता है मोदी की देश ने दिखाया, क्या दिखाया? कोरोना के खिलाफ देश एक है। अरे गधे, कोरोना क्या है? कोई आदमी है क्या, राक्षस है क्या, कौन है, उसको क्या दिखा दे तुम? तुम कोरोना के से फाइट करने के बजाय लोगों को कोरोना के जबड़े में दे रहे मरने के लिए।